नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिग बॉस ओटीटी 3 के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक हैं लवकेश कटारिया। लवकेश एल्विश यादव के दोस्त हैं। सभी जानते हैं कि जब एल्विश बिग बॉस ओटीटी 2 में आए थे, तब लवकेश ने उन्हें विनर बनाने के लिए जान लगा दी थी। वहीं एल्विश भी लवकेश के सपोर्ट में मैसेज करते रहते हैं, लेकिन कई लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो लवकेश को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, और क्यों नहीं वीकेंड के वार में उनके लिए जाओ। एल्विश ने अपने ब्लॉग में कहा कि मुझे कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैं लवकेश कटारिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, वीकेंड का वार पर जाओ। अरे मैं कैसे जाऊं, मेरा शो थोड़ी है, वो मेरे हाथ में नहीं है। और रही बात सपोर्ट की, तो मैं वोटिंग के जरिए सपोर्ट कर रहा हूं, हमारे बीच सब सही है। एल्विश आगे कहते हैं कि वैसे जितना भी मैं शो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि लोग कटारिया को बाहर निकालना चाहते हैं। वहीं अरमान को लेकर एल्विश ने कहा कि अरमान भाई कितने दोगले हैं, कटारिया ने उन्हें बचाया लेकिन वो पलट गए। अरमान भाई को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो काम यानी कि दो शादी खुद कर रखी है, वो ही गलत है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो तो दूसरों की गलती पर नहीं बोलोगे। वहीं लवकेश को जो बांधा वो टास्क का काम था, लेकिन इतनी देर नहीं रखना चाहिए था। आपको बता दें, हाल ही में लवकेश के बाहर वाला पकड़े जाने के बाद उनके एक हाथ में हथकड़ी बांधकर उन्हें गार्डन एरिया में रात भर बिठा कर रखा था। इस पर लवकेश की मां काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। लवकेश के व्लॉग में दिखाया गया कि उनकी मां कहती हैं कि पूरी रात परेशान था, बिना सोए बिना एसी के रात भर सोया नहीं। मुझे लगा कि अब बोलेंगे कि अंदर जाओ, लेकिन नहीं बुलाया, एक मिनट भी नहीं सोया। इस पर लवकेश के दोस्त बोलते हैं कि आंटी आप देखो, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि उसने चू तक नहीं की। इसके बाद लवकेश की मां कहती हैं कि जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके दोस्त जो शो में उनके साथ रहे, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, सना मकबूल, उन सभी को धन्यवाद। जी हां, लवकेश कटारिया को लगातार फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर एल्विश लवकेश को खुलेआम सपोर्ट करते क्यों नहीं दिख रहे। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।